और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर ये एफबीयू केस में दर्ज की गई है। मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें कि तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन और इसके अलावा अन्य लोगों पर यह केस दर्ज हुआ है। तो एक बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक और एफआईआर उनके खिलाफ हुई है। अभी वैसे ही इस वक्त मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, साथ ही आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उसको स्वीकार कर लिया गया है और इस वक्त ईडी की जो है हिरासत में है और लगातार दिल्ली की जो शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में है उसमें वैसे ही एक मुश्किल दौर से मनीष सिसोदिया गुजर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि मनीष सिसोदिया पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये पूरा मामला जासूसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने ये केस दर्ज किया है। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं ये पूरे केस के बारे में और एक बड़ी मुश्किल यहां पर मनीष सिसोदिया के लिए, एक और चुनौती। हेलो जी मुकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई है उसने जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं उनके खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। ये केस भी भ्रष्टाचार को लेकर है। दरअसल 2016 में दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी और इसमें जो है कई भर्तियां की गईं और आरोप ये लगा कि जो भर्तियां की गईं उसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से परमिशन नहीं ली गई। इसके अलावा जो भर्तियां की गईं इसमें से कई भर्तियों को दिखाया गया कि लोग भर्ती हैं लेकिन दरअसल उनको कोई सैलरी नहीं जा रही थी और ये सारा पैसा दिल्ली सरकार में जो आरोपी हैं, जो इस केस में आरोपी हैं, वो सारा ये पैसा ले रहे थे। तो इसको लेकर उपराज्यपाल की तरफ से सीबीआई को जांच के लिए कहा गया था। सीबीआई ने पहले शुरुआती जांच की और जांच में जो फैक्ट्स थे वो सही पाए, उसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इस केस में भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं, आरोपी नंबर 1 हैं। इसके अलावा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी विजिलेंस हैं वो भी इसमें आरोपी हैं। कई रिटायर्ड जो अफसर हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के भी अफसर हैं, आईबी के भी अफसर हैं, वो भी इसमें आरोपी हैं। इस जो ये जो यूनिट थी इसका काम था दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर निगरानी करना और उनके जो फोन वगैरह हैं, उनके जो मोबाइल हैं उनकी निगरानी करना और फोन टेप करना, इस तरह की इनका काम था। तो अभी उसमें भ्रष्टाचार के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। अभी थोड़ी देर में कुछ और डिटेल मिलने वाले हैं लेकिन इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम आरोपी नंबर 1 हैं और उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं क्योंकि अभी वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कस्टडी में है जहां पर आबकारी मामले में उनसे पूछताछ चल रही है। अब ये दूसरा केस दर्ज हो गया है तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक लगातार केस दर्ज होते जा रहे हैं और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के अलावा जो दिल्ली के बाकी सरकारी अफसर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी, आप ये एफबीयू यूनिट जो है, फीडबैक यूनिट जो पूरा जासूसी से जुड़ा हुआ मामला है, किस तरह का यह मामला था, क्या कुछ यहाँ पर मनीष सिसोदिया की भूमिका रही, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। देखिए 2015 में ये प्रपोजल दिया गया दिल्ली सरकार की ओर से कि एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जो कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर निगरानी रख सके और इसमें चूंकि जो दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच है उसको लेकर ये कहा जाता है कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल के इशारे पर काम करती है तो इसीलिए दिल्ली सरकार जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं वो चाहते थे कि एक ऐसी यूनिट बने जो कि दिल्ली सरकार के कामकाज पर नजर रखे। इसीलिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई और इस यूनिट में आईपी के कुछ अफसर रखे गए जो कि रिटायर थे, कुछ सीआईएसएफ के अफसर रखे गए जो रिटायर थे और इस तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी विजिलेंस जो है वो उसके हेड थे और ये यूनिट जो है 2016 में शुरू हुई और इसमें आरोप ये लगा कि इस यूनिट के जरिए दिल्ली सरकार जो है जासूसी करवा रही थी कुछ लोगों की, इस तरह की एलिगेशन लगे और उसके बाद इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच बिठाई और जांच में ये पाया गया कि जो इसमें भर्तियां की गई हैं वो भर्तियां फर्जी हैं, इस तरह से करप्शन हुआ है, जासूसी भी हुई है, उसको लेकर भी कुछ एलिगेशन है। तो तमाम इन आरोपों के बाद सीबीआई को जांच दी गई
और जांच के बाद ये पाया गया कि जो सीबीआई का दावा है कि आरोप सही थे, तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम आरोपी नंबर वन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी विजिलेंस भी इसमें आरोपी है, और साथ में जो बाकी के अफसर हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हों या आईबी के हों, वो सभी इसमें आरोपी हैं। तो अभी इस मामले की केस दर्ज करने के बाद सीबीआई अभी इस मामले की जांच को शुरू कर रही है और निश्चित तौर पर जो भी इसमें आरोपी हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जो भी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहां पर बढ़ रही हैं। सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की है। जासूसी से जुड़ा यह पूरा मामला है। फीडबैक यूनिट दिल्ली सरकार ने बनाया था जिसमें कुछ लोगों की जासूसी यहां पर की जा रही थी। ये तमाम आरोप है। अब सीबीआई ने यह केस भी दर्ज कर लिया है। मनीष सिसोदिया पहले से ही ईडी की कस्टडी में है। दिल्ली के आबकारी मंत्री के तौर पर दिल्ली में कथित शराब नीति को लेकर जो घोटाला हुआ उसमें उनका नाम है, उस संबंध में उनसे पूछताछ भी चल रही है और इस वक्त कस्टडी में भी हैं। वहीं दूसरा एक और मामला जो सामने है फीडबैक यूनिट से जुड़ा हुआ, जिसमें कि उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की बात जब आगे बढ़ी धीरे धीरे, गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई, सीबीआई जांच हुई और इसमें एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ और साथ में 6 लोगों के खिलाफ।